लोग तो भी कहा भाई सबसे ज्यादा जूत तो इसका मारने चाहिए, इसने ना जमा नाश कर दिया गांव की गांव में, और इसने ना लड़के का घर बर्बाद। फिलहाल दो तीन जगह रिश्ता देख रखा था उसका, बातें चल रही थी, तो लड़की को रोज मारा पीटा जाता था कि तू वहां भर ले यहाँ भर ले, उसने आम नहीं भरी। मैं शादी करने गई तो यही बोलती रही कि मैं शादी करूंगी तो मोनू से करूंगी, एक कारण तो ये भी है उसको मरने का। तो ना समझा ही नहीं भाई गांव की गांव में है। मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझाने के लिए कौन सा उन्होंने फोन दे रखा था, घर वाले ने किले बात कर रही ये बताओ। तो फिर तू बात क्या ना करेगा अभी, जिस दिन वो मरी उससे एक दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी, एक रात पहले कि मोनू ऐसे ऐसे एक छोटा तो फोन होगा जब तो आई घर वाले से आई, तो कभी मौका लग गया होगा उसका उसका किसी टाइम। उस पे फोन नहीं था ना, उस पे कोई फोन नहीं था। उसने बताया कि मेरे को एक छोटा फोन रो छोटी सिम प्रोवाइड करवा, उन्होंने घर में कोई लोकेशन बता दी कि रात को यहाँ पे रख दीजिए इसको, मैं उठा लूंगी। मैंने फोन सिम रख दी, उसने उठा ली, तो उससे अगला दिन हमारी कंटिन्यू बात हुई। उस दिन बताई थी उसने सारी स्टोरी मेरे को, जो जो उसके साथ बीतता है। उससे अगले दिन तो वो मार दी। ऐसा तो नहीं भाई तेरा तो बात करी घर वाले ने सको या फिर इस वजह से? मेरे तो बात करी, फिर मेरे तो बात करी है, उनको शक हुआ तो वो फोन दिखाओ ना, कहाँ पे वो फोन छुपा क्यों रखा उनके घर वालों ने? वो नंबर है जो मैंने अपनी आईडी पर दिया था, उसकी डिटेल निकलवाओ, उसकी लोकेशन लकड़वाओ। अगली ने उसने उसने मरने से पहले मेरे को बताया है, मौजूद में बताया कि कौन कौन मानस उसे मारने वाले हैं, कौन उसके घर में मौजूद है, दरवाजा तोड़ रहे हैं। उसने अंदर से लॉक करके दरवाजा फोन किया मेरे पास, जो मैंने फोन दे रखा था उससे कॉल की, मेरे पास दरवाजा लॉक करके अंदर से। एक बात और पूछूंगी भाई, जब उसने तेरे द्वारा फोन करी तो इवन ये भी कह रही है जनता क्यों ईब हो गया इसे, यू ड्रामा कर रहा है सारा, यू जब कड़ा गया था बचाने वाला जब वो जिंदा। पहली बात तो ये सुनो, जब वो जिंदा थी एक बार 2020 में उसका पापा उसे पहले भी मारने की कोशिश कर चुका है, उस समय भी यही बात थी, मेरा पता लग गया था कि बात करते उस टाइम भी इसको मार पिटाई करके छोड़ दिया। मेरे को तो अभी भी ऐसा ही लगे कि मार पिटाई करके छोड़ देंगे, ऐसा कौन सा कन्फर्म था कि जान से मार देंगे ये बताओ? अगर होता तो मैं उसको बचा भी लेता। कि किस तरह मेरा लगे कि मतलब इसने खुद आत्महत्या नहीं करी जबकि घर वाले कह रहे हैं। मेरे को उसने बताया कॉल करके मरने से पहले 10 बजे के आसपास कॉल आया था, मेरे पास वो नंबर भी है, उस नंबर की डिटेल भी निकल सकती है, उस नंबर की लोकेशन भी निकल सकती है, अगर प्रशासन निकलवाना चाहेगा तो उन्हें सब कुछ निकल सकता है। उसने मेरे को कन्फर्म बताया था कि 4 बंदों के नाम लिए थे घर में जो मौजूद हैं और तैयारी करने मारने की, और बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आ रही थी जैसे दरवाजा तोड़ते हैं कि खोल तेरे को जान से मारेंगे, ये सब आवाज आ रही थी फोन पे। तो ये तो कन्फर्म है कि लड़की को मारा गया है। तन्ना कब पता चला? मेरे को शाम को 5 बजे जिस टाइम मेरे पास कॉल आई, मैं रोहतक पालिका बाजार में था, कुछ काम फोन आई थी, दिव्या की कॉल आई थी 10 बजे, जब बता रहा ना कि दरवाजा लॉक कर रखा था, उस समय मेरे पास कॉल आई तो उस समय मैं मौजूद पालिका बाजार में रोहतक था, अगर मैं गाँव में होता तो उसको बचा लेता। फिर तू जो तना पता चला है भाई ऐसे डेथ हो गई है तब तू गांव में था रोहतक पे? जब उस टाइम पे मेरा घर पे था अपने गांव में, तभी मैंने पता लगते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी है, मैंने सूचना दी पुलिस को, मैंने रिटर्न में दिया है। अब एक बात होता, अगर मैं गलत होता, मेरे में कुछ कमी होती तो ना तो मैं प्रशासन के सामने आता, ना मैं मीडिया के सामने आता, मैं भी इसका मतलब तू सच्चा है गाम राम को झूठा नहीं बता रहा। देखो कुछ आदमी उसमें झूठे हैं, गाम राम सच हो सकता है पर उनका परिवार झूठा है जो गलत बोल रहा है, उनका परिवार सच्चाई बताएगा तो गाम राम भी पीछे हट जाएगा, उनका परिवार सच्चाई नहीं बता रहा। तू तो ये कह रहा है कि घर वाले ने मारी है, कल पूरा गांव एसपी ऑफिस में गया है ठाउका, वो कह रहा है कि इस लड़का ने दबाव। मैडम आप एक बात बताओ, ना तो प्रशासन मेरी मान रहा ना प्रशासन उनकी मान रहा, प्रशासन सबूत की मानेगा ना? सबूत मेरे पास है, हर एक सबूत है मेरे पास, जो दिव्या ने घर में विरोध किया है मतलब बाप के, और जिसमें ये बोला गया है कि लड़की को पिस्टल लड़ा के रखता था, लड़की के ऊपर दबाव देता था, लड़की से पैसे लेता था। अब एक बात तो, लड़की दबाव में कितने दिन रहेगी? वो मेरे पास रहेगी तो दबाव में रह लेगी, अगर मेरे से दूर होगी अपने घर में सेफ होगी तो कैसे क्या किस चीज़ का दबाव मानेगी ये बताओ? आगे शादी होगी वहाँ भी चलेगी, वहाँ किस चीज़ का दबाव मानेगी? ये तो झूठ है सरासर कि वो अब दबाव कर रही थी। अगर ये बोल रहे हैं कि मैं उसको डरा धमका के रखता था तो मेरे पास उसके कुछ ऐसे वीडियो फुटेज हैं, फोटोज हैं जिसमें वो बिल्कुल अपने हाथ से वीडियो बना रही है, अपने हाथ से रील बना रही है, इंस्टाग्राम आईडी भी है उसकी मेरे पास, जिसमें वो कत्ती बिल्कुल ये दिख रही है, वो लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ खुश है, उसके ऊपर किसी भी 1% का भी दबाव नहीं है। मैंने कल वो मीडिया में दे दिए, आपने देखा भी होगा। आप तो ये कह रहे हो कि मैं तो मिला एक होनी, फिर तेरा तो किस तरह भाई? सुन तो ले एक मिनट, मैंने ये बताया कि 2022 से पहले हमारा कोई रिलेशनशिप खाली फ्रेंड का था,
खाली बात होती थी। 2020 में जब वो रोहतक आने लगी, वो रोहतक आती थी कभी कभी, जैसे दवाई लेने, घर का कुछ सामान लेने, ऐसे आती जब हम मिले थे। तब की रील, शादी से पहले की, शादी से पहले की है वो, 2022 की रील है वो सारी, जो इसकी इंस्टाग्राम आईडी पे पड़ी है। शादी के बाद एक मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, ये नहीं करा मैं नहीं हुआ, मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, मेरा कॉन्टेक्ट वहाँ भी हुआ, मेरा कॉन्टेक्ट तब हुआ जब उस पे अत्याचार हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है भाई, अख्तर ना उसका हस्बैंड का नंबर कहीं था निकाल कर उसको दम की। कौन कह रहा है, इसकी डिटेल निकलवाओ, कोई मेरे पास कोई भी प्रूफ दो, मैंने कॉल किया है उसके पास कॉल होगा, नंबर होगा, वो निकलवाओ, उसकी लोकेशन निकलवाओ, डिटेल निकलवाओ, मेरी लोकेशन निकलवाओ, कोई तो प्रूफ दो। प्रशासन भी कोई चीज़ है, प्रशासन भी तो होगा, कानून भी तो है, कुछ सबूत तो करो, तो प्रूफ दो बताओ। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं भाई उनकी बेटी थी, मरी है, आत्महत्या करी है, जो भी होया है, तो यू तीसरा तेली क्यों उसकी माटी बयान कर रहे हैं? तीसरा तेली माटी बयान नहीं कर रहा, तीसरा तेली उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आया है, मैं उसको न्याय सच्चाई के साथ हूँ, मैंने उसको न्याय दिलाना। कई लोग ये भी कहते हैं भाई इसने न्याय दिलाना है तो इसके फोटो वीडियो क्यों गेड़ा है यू? मैंने कोई कहाँ पे उसका कोई गलत फोटो वीडियो गिरा है, मैंने तो तब फोटो उसके वीडियो जब मैं मीडिया के सामने ले गया, जब उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है कि लड़की के ऊपर ये जबरदस्ती करके दबाव बना के उसके साथ गलत काम करता था, इसीलिए मेरे को ये करना पड़ा, ना मैं करके कुछ नहीं था, ये बताओ। एक कारण और भी है, मैं उसको भी सामने लाना पड़ेगा मेरे को, ना मैं उसको भी सामने ला के कुछ नहीं था, मार सका पर मैं ना डरता, मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ खड़े खड़े मैं बेशक मर जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको न्याय दिला के रहूँ। शासन से मैंने रिटर्न में दे दिया, मैंने एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे दी है, मैंने महिला आयोग में भी दे दी है, मैंने आईजी साहब को भी दे दी है, मैंने डीजीपी साहब को भी दे दी है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा हूँ। अब मेरे जैसे मैंने एक पहली वीडियो में बोला था कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, अब उन्होंने इस बात का मुद्दा बना दिया कि धमकी दे रहा है, दे रहा है, वो तो वही धमकी थोड़ी थी, मैंने तो ये बोला था। तो क्या कार्रवाई करेगा? तो ये कार्रवाई मैं करूँगा ना, प्रशासन ने करनी है, प्रशासन अगर मैंने ये बोला प्रशासन कार्रवाई नहीं करा तो मैं करूंगा, तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, हो सका तो मैं पीएम तक भी जाऊंगा, मैं ये कार्रवाई करूंगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, ये बोल रहा हूँ। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं गोली मार दूंगा, मैं उसके लड़के को मार दूंगा या उसको मार दूंगा, ये तो मुद्दा उठा लिया उन्होंने, ये तो खाम खाई झूठी बातें बना ली। तो मतलब तू ये बात नहीं कहता कि मैं देखूंगा मारूंगा? ये बात तो मैंने कही है, दिखाओ ये बात कहाँ पे, कौन सी मैंने वीडियो में कही है, कौन सी मीडिया के सामने कही है? मैंने तो एक वीडियो मीडिया में ये बताया था कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं करूंगा, मैंने तो ये बात बोली थी। दुनिया भी कहा भाई सबसे ज्यादा जूत तो इसका मारने चाहिए, इसने है ना जमा नाश कर दिया गाँव की गाँव में, और इसने है ना लड़के का घर बर्बाद कर दिया। यू बात वह है ना गाँव की गाँव में कौन नहीं करता, सब करते हैं, बताओ कौन नहीं करता, दुनिया मर भी जाती है, सामने तो कोई नहीं आता ना, ये फोन पर तो सब कहते हैं, मीडिया सोशल मीडिया कोई कुछ भी लिख सकता है, कैमरे के सामने आओ जैसे मैं आ रहा हूँ, सामने आके बोलो तब पता लगेगा ना कौन सच्चा कौन झूठा है। तो पुलिस प्रशासन देखो दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनकी कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग थ्योरी यह है आत्महत्या करी है आपने दबाव बनाया, आप कह रहे हो कि हत्या करी है उन्हें फिर उसको जलाया है।